महाराष्ट्र धुले में टीपू सुल्तान गैरकायदेसर स्मारक तोड़ी नाखवामां आव्युं छे। पोलीसनुं कहेवुं छे कि प्रशासन की टीम अहीं बुलडोजर थी स्मारक ने तोड़े तेना पहला ऑल इंडिया मजलिसे इतिहादुल मुस्लिम धारासभ्य डॉक्टर फारूक अनवर शाहे ज तेना पर बुलडोजर चढ़ाव्यो हतो। एआईएमआईएम धारासभ्य डॉक्टर फारूके ज आ स्मारक बनावडाव्यो हतो। महाराष्ट्र धुले में टीपू सुल्तान गैरकायदेसर स्मारक सरकार आदेश पर प्रशासन की टीम की कार्यवाही पहला तोड़ी पाड्यू हतु। आ मामला में भारतीय जनता युवा मोर्चाए फरियाद करी हती। पोलीसे कह्यु छे कि 100 फूट पहोड़ी सड़क की वच्चोवच आ स्मारक बनेलू हतु। प्रशासन की टीम की कार्यवाही पहला ज एआईएमआईएम धारासभ्य डॉक्टर फारूक अनवर शाहेज आ स्मारक पर बुलडोजर चलावड़ाव्यु छे। यहाँ पे एक मुख्य रोड पर टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया था, माननीय आमदार साहब ने बनाया था, उसकी कोई परमिशन नहीं थी। इवन हमारी पुलिस की जो ट्रैफिक परमिशन थी उन्होंने वो भी हासिल नहीं की थी, तो हमें पता चला कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ना धुले एकम द्वारा आना संदर्भे गृह मंत्री अने महाराष्ट्र ना नायब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्र लखवामां आव्यो हतो। पत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा ना एडवोकेट रोहित चंदोड़े लख्यू हतु के धुले शहर ना धारासभ्य डॉक्टर फारूक शाहे हिंदुओनी भावनाओनी साथे खिलवाड़ कर्यो छे अने चौक पर कोईपण सरकारी मंजूरी वगर हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान स्मारक निर्माण करीने पोताना सत्तावार पद नो दुरुपयोग कर्यो छे। तो उनको हटाने के लिए कलेक्टर साहब, मैं पीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर एंड पीडब्ल्यू ऑफिसर, हमने एक सहविचार बैठक ली। उसके बाद हमने तय किया कि इसको हटाना चाहिए। उस वक्त हमने आमदार साहब का आह्वान किया कि आपका स्ट्रक्चर इलीगल है, आप प्रॉपर परमिशन लेके कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी विनती को यस बोला और उन्होंने खुद वो स्ट्रक्चर निकाला है। वहाँ पे शांतता है अभी, वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब रिपरेक्शन होने की संभावना नहीं लगती मुझे। टीपू सुल्तान ना गैरकायदेसर स्मारक ने हटावी देवायु छे, परंतु भाजपा नेता ओवैसी पार्टी धारासभ्य पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। તેમનો આરોપ છે કે આ જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યું હતું, તેનાથી જનતાના નાણાંની બરબાદી થઈ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ જીએસટીવી। ભાજપ સાથે જેજેપીના સંબંધો હાલ સારા નહીં હોવાની અટકળોને હરિયાણાના ઉપમુખ્યમંત્રી દુષ્યંત ચૌટાલાએ રદિયો આપ્યો છે। જો કે દુષ્યંત ચૌટાલાએ કહ્યું છે ખટાશ આવશે તો ખુશીથી તેઓ અલગ થઈ જશે। हरियाणामां भाजपना प्रभारी बिप्लब देवना ऊंचाना बैठकने लईने करवामां आवेला निवेदन बाद पार्टीना जननायक जनशक्ति पार्टी साथे तिराडना अहेवाल हता, परंतु हरियाणाना उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटालाए विवादनी अटकळो पर विराम लगावता कह्युं छे कि बन्ने पक्षो साथे मळीने विधानसभा अने लोकसभा चूंटणी लड़वा मांगे छे अने कोई प्रकारनी तकरार नथी। मैं तो जब 3 महीने हुए थे तब से सुन रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है और मैं बड़ा साफ हूँ। अगर किसी के मन में कोई इच्छा है उसको तो मैं नहीं बदल सकता, तो बैठ के दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है दोनों पार्टियों की इच्छा तो यही है कि मिलके चले। अब वो बदल जाए किसी समय पे, उसको कैसे आज अनाउंस किया जाए, कैसे तय किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये वायबल भी है। દુષ્યંત ચૌટાલાએ કહ્યું છે કે ગઠબંધન બનાવવાની પાછળ કોઈ મજબૂરી અને સ્વાર્થ નથી। ભાજપ અને જેજેપીની અલગ થવાની અફવા 3 વર્ષથી ચાલી રહી છે, પણ ગઠબંધન મજબૂત છે। તેમણે કહ્યું છે કે બંને પક્ષોમાં કોઈ ખટાશ આવે છે તો ખુશીથી અલગ થઈ જઈશું। और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी ना बीजेपी की मजबूरी थी, प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। भाजपा हरियाणा खाते ना प्रभारी बिप्लव देवे दाव कर्यो हतो कि ઉચાન બેઠક પરથી ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી વિરેન્દ્રસિંહના પત્ની પ્રેમલતા ચૂંટણી જીતશે। ઉચાન બેઠક પર હાલ દુષ્યંત ચૌટાલાનો દબદબો છે। જેજેપીના નેતાએ કહ્યું હતું કે જેમના પેટમાં દર્દ છે તેઓ તેમના માટે દવા બનાવી શકે નહીં। તેમણે ઉચાનને કર્મભૂમિ ગણાવીને ત્યાંથી ચૂંટણી લડવાની વાત કહી હતી।
ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।